सब कुछ जे मासे की जे मासे की मेरे प्रिय भाई और बहन, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे एक कार्टून सीरियल के बारे में बताना जा रहा हूँ जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। तो ऐसे कार्टून सीरीज जिसकी भविष्यवाणी पूरी होते जा रही है, आज तक जितना भी भविष्यवाणी उन्होंने किया है, ये जो कार्टून सीरीज है उसने जितना भी भविष्यवाणी किया है उन सारे भविष्यवाणी आज तक सच हुई है। हाँ मेरे दोस्त, ये सारे भविष्यवाणी सच हुआ है। मैं किसके बारे में बताना जा रहा हूँ? मैं जिसके बारे में बताना जा रहा हूँ उसका नाम है सिम्पसन कार्टून, जो कि 1989 से चलता आ रहा है। ये जो कार्टून सीरीज है ये सबसे लंबा समय जिसको कहा जाता है आज भी ये कार्टून सीरीज टीवी सीरियल में दिखाई दे रहा है, आज भी ये चल रहा है कार्टून सीरीज सिम्पसन कार्टून सीरीज। और ये जो कार्टून सीरीज है ये जो भी भविष्यवाणी करती है सारे के सारे सच हुआ है। और नंबर वन, हम कुछ पॉइंट्स को हम देखेंगे उनका क्या क्या भविष्यवाणी सच हुआ है इसके बारे में हम देखेंगे। इसका जो एपिसोड 5 में उन्होंने एक भविष्यवाणी किए थे, उन्होंने भविष्यवाणी किए थे जो डिस्नी है और फॉक्स स्टूडियो को खरीद लिया है, ऐसे उन्होंने भविष्यवाणी की थी। और आपको जानकर ये आश्चर्य लगेगा, आपको आश्चर्य लगेगा कि ठीक 19 साल के बाद ये जो भविष्यवाणी हुआ था वह सच हुआ। डिस्नी ने वो क्या किया, फॉक्स स्टूडियो को वो खरीद लिया। और दूसरा है 15 साल पहले ये जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा, ये भविष्यवाणी भी ये सिम्पसन कार्टून ने की थी। वो जो भविष्यवाणी की थी ठीक 17 साल के बाद ये भविष्यवाणी पूरा हुआ और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गए। और तीसरा है 9 सितंबर 2011, ये जो सिम्पसन कार्टून है उन्होंने कोरोना वायरस के बारे में भी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि कोरोना नाम का एक जो वायरस है वो फैल रहा है और जितने लोग हैं वो सारे मर रहे हैं, और ऐसा कुछ भविष्यवाणी की थी। और जापान की एक प्रकार फ्लू जो कि सिम्पसन कार्टून जो शो है एक एपिसोड में दिखाया गया था, वो कैसे ये जो फ्लू है वो कैसे फैल रहा है, ये कोरोना वायरस के बारे में भी भविष्यवाणी की थी। तो आप खुद देख सकते हैं। Supervisor, I have the flu. और चौथा है इंग्लैंड का जो क्वीन है एलिजाबेथ टू, उनके मृत्यु के बारे में भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी। जी हाँ, उन्होंने जिस डेट पर उनका मृत्यु की भविष्यवाणी की थी ठीक एग्जैक्ट उसी साल उसी महीना उसी तारीख तीनों की तीन सेम था, जब रानी एलिजाबेथ जो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का मृत्यु हुआ था, वो था 8/9/2022। तो यहाँ हम देख सकते हैं तो उनकी मृत्यु हुई थी। ये था एग्जैक्ट प्रेडिक्शन, ये था एग्जैक्ट भविष्यवाणी
जो कि सिम्पसन कार्टून ने बहुत साल पहले ही कर दिया था कि उसी डेट में क्वीन एलिजाबेथ टू का मृत्यु होगा, उनका मौत होगा। नंबर पांच, नंबर पांच में हम देखते थे ओशन गेट कंपनी, उनके बारे में आपने सुना होगा। अगर सुना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हमें मुझे पता है। तो वो कंपनी क्या किया, वो कुछ लोगों को भेजा, जो टाइटन जहाज जो डूब गया था उसको जाकर देखने के लिए, और जो टूटा हुआ था वो सारे चीज को देखने के लिए कुछ 5-6 आदमी को वो भेजा था, ओशन गेट कंपनी। लेकिन आपको जानकर हैरान होगी कि वो जितने भी आदमी गए थे उधर देखने के लिए, उन सारे आदमियों का मौत हो गया था। जी हाँ, वो सारे के सारे मर गए। और उनके मृत्यु के बारे में भी ये जो सिम्पसन कार्टून ने भविष्यवाणी की थी कि उनका मृत्यु हो जाएगा। और छठा, बार्बी फिल्म के बारे में आपको पता है, आपने कभी देखा है बार्बी फिल्म? अगर नहीं देखा है तो आप जान सकते हैं, गूगल में सर्च करके जान सकते हैं, यूट्यूब में सर्च करके भी जान सकते हैं। उसका जो ट्रेलर रिलीज हुआ था, उसका ट्रेलर रिलीज होने के बाद सिम्पसन कार्टून भविष्यवाणी की थी। उन्होंने क्या भविष्यवाणी किया? सिम्पसन कार्टून ने यह भविष्यवाणी किया, डोनाल्ड ट्रंप अरेस्ट होंगे, उनको अरेस्ट किया जाएगा। जब उन्होंने ये भविष्यवाणी किया, ठीक 29, ठीक जिस दिन वो भविष्यवाणी किया कि डोनाल्ड ट्रंप अरेस्ट होंगे, ठीक उसी डेट पर डोनाल्ड ट्रंप ने अरेस्ट हुआ। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप अरेस्ट हुए उसी क्या, ठीक 29 साल पहले ही ये सिम्पसन कार्टून ने भविष्यवाणी की थी। मेरा मतलब है 29 साल के बाद डोनाल्ड ट्रंप अरेस्ट हुए। और उसके बाद नंबर 7, 2012 में 12 से आज तक क्या हो रहा है, बहुत सारे जगह में लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। उसके जगह पर रोबोट को नियोजित किया जा रहा है। इंसान का सारे काम रोबोट करता है, और इसके बारे में भी भविष्यवाणी हुआ था। और नंबर 8, 2021 में कामिला हैरिस अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, ये भी भविष्यवाणी हुई थी। 23 साल पहले ये भविष्यवाणी हुई थी। ये भविष्यवाणी कौन किया था? ये सिम्पसन कार्टून ही भविष्यवाणी की थी कि कामिला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। और तस्वीर में आपको देखकर आपको हैरान होगा, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कितना एग्जैक्ट, ये जो कार्टून में सिम्पसन कार्टून में जो कामिला हैरिस और रियल लाइफ में जो कामिला हैरिस, दोनों का ड्रेस, दोनों का नेकलेस बिल्कुल बिल्कुल एक है, सेम की सेम है। ये सबसे आश्चर्य किया वाले बात है। और नंबर नाइन, हाल ही में सिम्पसन कार्टून ने भविष्यवाणी किया था कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर एटम बम फेंक देगा। क्या ये हो सकता है? इतने सारे भविष्यवाणी पूरा हुआ है तो क्या ये हो सकता है? Let's start off with a joke. I got one. Give me that. What's the difference between Pakistan and a pancake? I don't know any pancakes that were nuked by India. तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ये हो सकता है और ये सब कैसे हो रहा है।
ये सारे भविष्यवाणी एग्जैक्ट बिल्कुल 100% एक्यूरेट कैसे हो सकता है? क्या ये चकित करने वाला बात नहीं है क्या? हाँ मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल चकित करने वाला बात है। जो भी भविष्यवाणी हुई है वो सब पूरा भी हुआ है, और जो जो भविष्यवाणी की थी वो एग्जैक्ट 100% सब कुछ सच हुआ है। तो भविष्यवाणी ये सब कैसे सच हो रहा है? क्योंकि इन लोगों का कुछ प्लानिंग होता है, अगले दिनों में वो क्या क्या करेंगे, ये सब उन लोगों का प्लानिंग होता है। और उनका अगला टारगेट है, अगला प्लानिंग है इंडिया और पाकिस्तान को लड़वाना, दोनों का लड़ाई कराना। ये सिम्पसन कार्टून का अगला मकसद है, अगला स्टेप है, जो भी आप समझ सकते हैं। इसलिए हम सबको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये अंत के दिन है, हम सब अंत के दिन में जी रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाई और बहन, ये जो 666 में नाम क्यों दे रहा है, मैंने क्यों दिया है ये 666 का नाम, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे रेवलेशन उनका 13 और लास्ट 4 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो उधर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वो क्या करता है, वो पूरी दुनिया को वो कंट्रोल करता है, जो 666 है पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, और जितने भी लोग हैं उनको एक चिन्ह उनके माथे पर और उनका दाहिना हाथ में एक चिन्ह लेने के लिए वो मजबूर करता है। वो चिन्ह क्या है आपको पता है, वो है 666। जो कोई इनकार करता है मैं ये चिन्ह नहीं लूंगा, उसको क्या करता है, उनको खरीदने के लिए मना करता है, बेचने के लिए मना करता है, ये सारी चीज उसका जिंदगी मुश्किल कर देता है। तो ये जो सिम्पसन कार्टून है ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करता आ रहा है, और अगले दिनों में इन लोगों का प्लानिंग है पूरी दुनिया को वो पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे। तो इसलिए ये जो 666 नंबर है शैतान का नंबर, एक जो बीस्ट का नंबर है, उनके साथ ये कार्टून का कोई ना कोई संपर्क तो जरूर है। इसलिए हम सब लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। सबको जय मां सी की। फिर मिलेंगे आपके साथ और एक वीडियो में। सबको जय मां सी की।